दुकान लगे से जहां दुकान रे जहां टा हताव रिया कदा जमन उली हाल दिक्कत तो बना टीम रे खिलाड़ी को बोलो चिकाव करा मी से खोई लीन आर पूर जर्सी रे नको दो लंबू स्टार ग्राउंड रामगढ़ दुमका टीम रे प्लेयर को कदा को जबकि एफसी इलाहाबाद पाटू टीम अकुआ अगा चीर परिचित अंदाज रे ससांग आर मी से खोई एफसी इलाहाबाद पाटू जबकि मी से खोई लंबू स्टार ग्राउंड रामगढ़ दुमका लील जर्सी हरो का दुमका टीम ने अकुआ बोनो को एफसी इलाहाबाद पाटू विरुद्ध रे चीर का को गाती के नाम में खनकाली दास रे नवा टीम रे नडी विश्वसनीय खिलाड़ी के नाम जबकि इन्होंने को नेले का नाम प्रति सही 81 नंबर जर्सी रे और 15 नंबर जर्सी रे नवा टीम को गाती का पाउलुस आप देखना है इस मैच में फॉरवर्ड लाइन पे यहाँ पर लाइसेंस टुडू और टिकू लकड़ा जैसे स्टार खिलाड़ी वो किस तरह से अपना हाथ कला को दिखाते हैं। संथाल परगना के अंदर में इन सभी खिलाड़ी ने धूम मचाया हुआ है लेकिन इस मैच में क्या धूम मचा पाएंगे नहीं दुमका के विरुद्ध दुमका के खिलाड़ी का ये आक्रमण तेजी से बनाने की कोशिश में लेकिन बहुत ही सुंदर गेंद को भूलते हुए बॉल को अपने हाथ से वहां पर अच्छा रिकवरी करते हुए और फिलहाल यहाँ 15 नंबर जैसे तेजी से बॉल को टीकू लकड़ा के लिए बॉल को अंदर फेंक दिया है लगभग वहां पर बॉक्स के अंदर लेकिन इससे पहले हैंड बैग जाकर गेंद लगी और इस वजह से इन बॉल का इशारा हुआ है इस वजह से फ्रीकी के लिए मौका अपने हाथ से एफसी लंबू स्टार रामगढ़ दुमका की ओर से फुल बैक में जर्सी नंबर 5 पहने हुए 40 मुर्मो जर्सी नंबर 10 पहने हुए खिलाड़ी श्री मुर्मो थोड़ा सा मैच है वहां पर रिसीव नहीं कर पाए थे और क्या यहां पर पहला गोल होगा और क्या गोल होता है देखिए और जी हां पहला गोल मिल चुका है एफसी इलाहाबाद की टीम को 1 मिनट 57 सेकंड में यानी कि 2 मिनट भी नहीं हुआ था और पहला गोल हो गया और इस तरह से गोलकीपर मार्कुस सोरेन साफ साफ ये साफ उसकी किया और नवाल का तक मामे किया नवा दो पहली गोल एफसी इलाहाबाद पाकू टीम रिया नवा खाता खुलो चुके उड़ा और रामगढ़ दुमका नवा मैच रहे शुरुआती झटका लगाओ पाकुआ टीकू लगड़ा नवा मैच रहे एक गोल पे या टीम लीड रहे गुमका हुआ और ये लोगों ने तो नवा मैच रहे चीज सूरत हाल दिशा और दशा बदलो कर नवा पहली हाफ रहे 2 मिनट हो बाद भी क्या था लगभग उना उत्तर भी नीचे सरदार गोल मेंठा ये तो नवा मैच रहा और इस समय में ना बना टीम से कोई चांस है ना नवा मैच रहा बनावा निश्चित रूप से उनका बनावा मेंठा को कोई टीम ज्यादा होना चांस लिया थोड़े एक फायदा की जाम रहा जर्सी नंबर 9 भरो का खिलाड़ी जबकि थोड़े जर्सी नंबर 9 रहे कोई गाते के ना रमेश हसा फिर से यहाँ पर टीकू लग रहा पहला गोल मार चुका है और टीकू बॉल को लेकर तेजी से बढ़ने की कोशिश में एक खिलाड़ी को चक्कर मौका बन गया था थोड़ा सा वहां पर खिलाड़ी जल्दबाजी कर गए सुरेश सोरेन को मौका बना था लेकिन उसके रनिंग के लिए जो पोजीशन था उसको पहले सबसे पहले ब्लॉक कर दिया गया
दुमका की टीम को शुरुआती झटका से अब उबरने के लिए थोड़ा सा वक्त लेना होगा, लेकिन एफसी धनबाद पाकुड़ की टीम बेहतर पे बेहतर करने की कोशिश करेंगे एक गोल मिलने के बाद, क्योंकि जब आप शुरुआती समय में ही 1-0 की बढ़त अगर ले लेते हैं तो निश्चित रूप से खिलाड़ियों का जो मोराल है वो ऊंचा हो जाता है। संजीत बहुत ही सुंदर मिडिल में वहां पर पास बढ़ाया मधु के लिए, लेकिन यहाँ जर्सी नंबर 11 में खेलते हुए जर्सी नंबर 81 रह पाएगा। ठीक है, आपको खेले के नर प्रदीप सिंह की मजे गाती है, विशेषकर सोंगे गाती लेकिन पास अभी मजे बनाओ मेंथन टीकू फिर से बोले जीत कर का टीकू शुरुआती समय रहे एक गोल भी आपका बढ़ाते बनाओ का आओ ना थे पोजीशन है बनाओ दा मेंथन लाइसेंस टू डू बड़े उन्हीं पास आए या चेक कर रहता है कि ना मेंथन आए गड़बड़ाओ किधर। फिर से प्रदीप बॉल को कब्जे में करने की कोशिश, लेकिन कालिदास का पास जर्सी नंबर 8 पहने हुए मोरे तो हेलो अच्छा हना डुक्कू रहे इदान खोएगी आप पहले बेटा आप कहना होना गाड़ी मोटरसाइकिल होने खोए तो साइड तो बन पाए हेलो होने दुकान को बिना इदान खोएगी ले बनाए पिया पांचवी छोर में वहां पर जो ऊपरी सतह पर जिनका भी बाइक है कृपया करके आप लोग हटा लीजिए ना। पंडित तड़ी दुकान सामने रहे कोई को बाइक भी ना दया कहते होना अचक लगी कुरमुटु पे आर खाए कभी ट्रेन कोड़ा नोड़े कोई कुछ चलाव लन खाए तो फिर अपेल की मुश्किल भी हो इनान को ले बनाए पिया कोई को गाड़ी मोटरसाइकिल लिखो बिना कुछ गाड़ी नहीं मिलता अचक खुदा खूब मन खान में बार सारा इतना अपे होने को अचक लगी कुरमुटु तो उनता संजीत थोड़ा सा वहां पर ले किया और जिस वजह से बॉल उनसे छीन लिया गया। फिलहाल प्रदीप थोड़ा सा गलती, लेकिन अच्छा रहा कि वहां पर बॉल लाइसेंस टुडू को ही मौका मिल गया, लेकिन इस बार जर्सी नंबर 14 पहने हुए संजू मुर्मू बॉल के साथ तेजी से बढ़ने की कोशिश सर गए आगे की ओर 11 नंबर जर्सी पहने हुए सुरेश सोरे इस बार वहां पर साथी खिलाड़ी को ढूंढ रहा है अच्छा पास वहां पर बनाया लेकिन थोड़ा सा वहां पर गलती आपस में दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाया गैप पे वहां पर पास बढ़ा दिया था मगर ओवर हिट के चलते बॉल गोलकीपर वाले लाइन से बाहर। कोई दिक्कत नहीं एफसी इलाहाबाद की टीम को अब इस मैच में वापसी करने के लिए उनके पास पर्याप्त समय है, विशेषकर अपने फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ियों को ज्यादा मौके देने की जरूरत है। जर्सी नंबर 16 पहने हुए खिलाड़ी इस बार लुकस उनसे भी बॉल को छीन लिया गया। मैन मार्किंग अच्छा है जर्सी नंबर 5 पहने हुए खिलाड़ी चार्विश मुर्मू देखने में छोटे से लगते हैं लेकिन बहुत फुर्ती तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। फिलहाल बॉल के साथ गोलकीपर के लिए वहां पर काम को आसान किया और गोलकीपर मार्कस सोरेन इससे पहले बहुत नजदीक से वहां पर टीपू को वहां मार्क नहीं कर पाए थे उनके शॉट को नहीं रोक पाए थे लेकिन अब दोबारा उस तरीके का गलती नहीं करना चाहते। लेकिन ये प्रदीप तो बहुत ही हुनरमंद खिलाड़ी है इस तरह से पहले खुद बैलेंस कर लेते हैं बॉल को ले लेते हैं इसके बाद बॉल को क्लियर कर लेते हैं। अच्छा पास ठीक से टीपू टिकू लगड़ा का अच्छा पास फिर से आगे बढ़ गए हैं प्रदीप एक खिलाड़ी को वहां पर ड्रिबल करने की कोशिश 50-50 बॉल के लिए लड़ाई चलता हुआ आखिरकार बॉल को वहां पर मंतोष खेल ले और फिलहाल बॉल को बढ़ाने की कोशिश में मगर विपक्षी खिलाड़ी के बॉडी से नजर आने के बाद चली गई है बॉल टच लाइन से बाहर। ग्राउंड में अच्छा खेलते हैं दोनों टीम अपमान माने जाते हैं कि दोनों टीम एक अच्छा फुटबॉल खेलने के लिए लेकिन लाइसेंस टू डू क्या इस बार बॉल बाहर पाई या नहीं लाइसेंस टू डू वहां पर बॉल के समीप आने की भरपूर प्रयास में थे लेकिन बॉल को सही तरीके से कनेक्शन में नहीं रह पाए। 11 नंबर जैसे पहले खिलाड़ी अच्छा रन बना रहे हैं लेकिन उनको सपोर्ट करने की जरूरत है
वन मैन में कुछ नहीं होगा जब तक कि उनको सपोर्ट करने के लिए फॉरवर्ड लाइन सही तकनीक और सही पोजीशन पर खड़े नहीं होंगे। लेकिन इस बार देखें यहाँ प्रदीप लगातार आज मौके मिले हैं, प्रदीप को ज्यादातर टचेस उनको मिला है इस मौका में। और फिलहाल यहाँ 15 नंबर जैसे पहले बॉल को वहां पर जमीन में रोल करते हैं, लेकिन ऑफ साइड का वहां पर फ्लैग उड़ जाएगा असिस्टेंट रेफरी देवीदन जी का। फर्स्ट हाफ में 1-0 की बढ़त पर एफसी इलाहाबाद पाकुड़ की टीम। लेकिन दोनों टीम का जो अभी तक का जो खेल का जो अभी तक का पोजीशन है, दोनों टीम ने सकारात्मक रवैया अपनाया हुआ है। बना टीम का खिलोड़िया का स्तर का नाम था यहाँ तक एक विजय था खिलोड़िया का स्तर तो बना टीम की 50-50 आगे चैलेंज की बना हुआ मैन खान ये था लाइसेंस लगी मौका लाइसेंस टू डू और है फिल्म की फर्स्ट टाइम की नोट अटैक किया जरूरी था कि ना मनोज दा मेन खान थोड़ा कने हे क्यों दा तब तक रहे उन्हें मेन कवरिंग हुई ना और बखा नोटे चांस पाए कदा आप हम नोटे जनता संजी शॉट लगी शूटिंग एरिया रे मौका को माइक अंगे मेन खान ओका फर्स्ट टाइम रे ओका रिएक्ट हुई जरूर कदा उन्हें बखु दारिया कदा और उन्हें नाइट आज जनता भी बखाई पर्यागन भूल निश्चित रूप से हुई दारिया किया मेन खान उनका बाग हुई दारिया किया बिल्कुल दूसरा ओका राइसी ने जाम ले चांस रुकाविया जरूरत की बात है इतना डायरेक्ट ते हीट लिखा थोड़ा कम दबाव करते हालांकि उजला भी आहो डर है कना ना कखान दिखी रैशिन बनाओ करते मेन किला लेकिन कोई बात ना करा ये तो गोल हुई बस भाई दूसरी गोल लेकिन ओ हो हो बुझा कना मीट ते गोल दिखी कुमेंदर वा मैच रे रोमांचक तहे जोड़ दी मैच रे रोमांचक तहे जोड़ी उना जनी कु मेन जोंग कना इलाहाबाद पाटू रे टीम बाबार दा तो चिक पेपे दा चास तू जानती दा नियदम लुकस होई दी रबड़ी किदा टिकू होई रिवन रे बॉल है जना रिटेनिंग कते हुई हो पाए गोलाड़ी दा और उना लहा रे राइशिन होई नाम बजा और कहीं ना कहीं अगर को गोल रोल खाई तुसा नुआ को मौका दितार रे सवाल उठा यह अपना इधर सवाल निश्चित रूप से उठेगा जिन जिन मौकों को उन्होंने गवाया है निश्चित रूप से इसका मलाम रहेगा। लेकिन अच्छा खेल प्लेइंग सेंस अच्छा है दुमका की टीम भारी दबाव में खेलते हुए क्योंकि उनके ऊपर जब भी डिफेंस लाइन को भेजा गया है बहुत करीब लेकर चले गए हैं वहां इलाहाबाद की टीम के खिलाड़ी ने काफी दूर से वहां पर वापस की दिशा में बॉल को चला गया है। लेकिन इस बार गोलकीपर के ग्लव्स में कोई दिक्कत नहीं भी एफसी इलाहाबाद की टीम अभी भी इस मैच में बढ़त बनाए हुए लेकिन लगातार मौके की तलाश में है और मौके मिले भी है लेकिन अभी तक गोल नहीं कर पाया है। लेकिन अब इस दबाव से किस तरह से अपने आप को निपटते हैं अपने आप को इस मैच में बराबरी पर लाते हैं यहाँ दुमका की टीम थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन अच्छा खेल दिखाते हुए दोनों टीम विशेषकर यहाँ पाकुड़ की टीम इस मैच में दबदबा बनाए हुए और उन्होंने मीठे चीज मनोज ये दुमका टीम भी आपका फॉरवर्ड लाइन रहे बॉल लहा काम रहो सिर्फ मीठे खिलाड़ी बढ़िया खिलाड़ी थे बॉल को दी रहा और अगर आमरन लहा रन पूर्णिया खिलाड़ी से बड़े गोटे खिलाड़ी जब जब तक तालमेल के साथ उनको बाकू लहा रहा
बॉल को बाकू दो तो निश्चित रूप से आम डिफेंस चितान रहे दबा पड़ा अब चीज की निरोपन बिल्कुल सही कथा तुसा नोडल नोटिस कदा अजी बुझम या ठीक कदा अगर फॉरवर्ड लाइन रे देखा लंबी स्टार दुंगा रे ओनली वन खिलाड़ी ए जर्सी नंबर 6 मनोज जलता और पसे जो थोड़ा गम ना कोई तयोग रे 9 नंबर रे रे तहन कना रामेश्वर हसदा इसके बाद बाकी जब तो खिलाड़ी तयोग रे को कहे गना तहन कना बोल पे जम चुके हो बना लेकिन मुआ रणनीति थोड़ा गम पसे चिन्नंदा बदलाव पे अटैक लगे चला पे और बका तो यूं ही उसे जो आ संभावना अपे जितारे की गोल लेकिन ये देखिए टी टू लग रहा लता लता के जर्सी नंबर 15 पांच शॉट अब जाता गोल वाह ये वाला शॉट चाहिए चटकदार वाला शॉट चाहिए इनान नुआ चटकदार अगर राइसी ने उतर के टी टू लग रहा है उतर के पसे जो नजारा खुश की तह को लेकिन मना हुआ जर्सी नंबर 15 बड़ी चटकदार पालूस के द्वारा अरुणा का क्रांति की नोटे कॉर्नर किक जमा हुआ अवसर को नाप करा 7 नंबर जर्सी टीकू लग रहा फिर से शॉट किया लता लता थे 81 नंबर प्रदीप लग रहा लेकिन प्रदीप ने मिस किया गुना वजह की नोटे तुम कारण खिलाड़ी बहुत पॉइंट आओ करा 12 नंबर जर्सी रखा खिलाड़ी दिलीप भाई अंताव ने ना इनको तो संदीप लॉक को कदाय सीधे बॉक्स के करीब है राइट साइड का खिलाड़ी जर्सी नंबर 16 भाई पड़ाव ने ना राहत की सांस को नामा तुम कारण की नीतो तो तुम का प्रतवार गते आक्रमण दिया चेष्टा ने जी उनका पास सही पास बिल्कुल गलत पास बिल्कुल टीकू जेल में सरी की उकार है तहन तनार उकार है चला करना और बंद फागो टाइम पर गति करना और परिस्थिति को देखते हुए जेल में तयों ते चला होता ना बुझा ये बनाई था टीम स्पिरिट नुवा को बेटा पूरा टीम हित लगेगा ठीक है ना और जरूरी हो बेटा पूरा या रन बना तो प्रदीप प्रदीप स्वयं की हिट लगाऊंगा बैंखा टारगेट कोई बात है अच्छा खेल अभी तक दिखाते हुए इस मैच में और बेहतर से बेहतर होते हुए जा रहे हैं इस मैच में इलाहाबाद पाकुड़ की टीम फर्स्ट हाफ में और दबाव की परिस्थिति में दुमका की टीम और ज्यादा खुद को हो पाते हुए क्योंकि जिस तरह से उनके फॉरवर्ड लाइन नहीं चल पा रहा है आगे में बॉल ज्यादा देर तक रुकती नहीं है और इस वजह से ज्यादा डिफेंडरों को दिक्कत नहीं होता है इलाहाबाद की टीम को जियो चला सो जियो जियो तो तभी की रेम तीनों दो थोड़ा को बड़ी बड़ी थे परी परी था पे हजुक पे आठ टॉपर निधि पे दाका जोक लगी नहीं था उनका जब तक उनका बांग आपे परी परी थे आपे पे चला टीम से लाइसेंस को मौका मिला है बहुत करीब थे इस बार भी मौका यहाँ पर लेकिन लाइसेंस अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाया है बनोइडा आज निराश किया है लाइसेंस को दो तीन बार ऐसे मौके मिले हैं यहाँ से जोर जबरदस्त हिट कर सकते थे लेकिन ऐसा नहीं है और लाइसेंस ने अभी तक अपने टीम के उम्मीदों को अभी अपने टीम के उम्मीदों पर खरे नहीं उतरा है बिल्कुल सही कदा तुधार उका जिनिस लगे पहचान मेरा तैयार है सर ना जिनिस भाई से का रैली का और पसे जो तीन घड़ी बाद रह हुई रैली का प्रे हुआ और पसे ज्यादा देर बाद लगा लेकिन ये देखे टिकू लगड़ा पूरी तरह से रिदम रहे ये तो हो फुल फोर्स ने फुल कीपर फ्री लगा लेना मगर झेला सकते रहे गेंद गोलकीपर थे की चला होना जो बनिया था 12 नंबर जर्सी रखा नीत है अंटा होगा ना रद्रदा को तेरे दी चला अजय अजय हो ज्यादा चला बंद चला लेते या चला जब बोले रे की ना चल पालूस लगा एक दो कदा नुआ बॉल इलाहाबाद एक पीछे ग्राउंड में संजीव संजीव के तू मना खिलाड़ी थे राशिन लगे राशिन आया हो थोड़ा सा पास एक पास के बाद जर्सी नंबर 15 पालूस चांद की बोले पड़ा होगा ना और तू मुझे शॉट जमाव ले किया लेकिन विनर धरदार शॉट बांध पाए लेना संगीन की तह लेना थोड़ा गन चितान से जो तह लेन था मौका बना को लेकिन उनका बांध आन कल करते हिट के माध्यम से तयों से ले खिलाड़ी को इलाहा बांध रंगी ये लेकुआ अभी मौज बोल को अच्छी जो करना पासेस से लिया होगा जिनिस जरूर करना एकदम होना जिनिस को सिखा होगा था और ये देखिए तीनों प्लेयर के अपने पाउलुस लेकर पाउलुस लेफ्ट हाफ ने थ्री थ्री पास दिया है करना लेकिन बांध
DJ sangeet ka naam ka pehla jagah arna sangeet ko gele na bhi em ko gaya pradeep ji ko bani em ko gaya kino bhi di box ke aage baaju mein phir se aur chalao ka naam saat number tikku lag tikku ball maar rahe control ke samne re khiladi zarur naya ukal ka tak thoke ka naam ar pass ka tak thok diya ab ye dekhiye thoda kaan pradeep gadbada ke da second four ke tappe ko khiladi ko banao tha hai na unko दिमाग को भी जरूरत है ना मगर नुंडे लेफ्ट साइडर की मेंजिला मेरी ने खोल लिया अपना इसकी वजह से जो गलती हुई ना मैं प्रति से क्या को बोलता लाओ करना की हवा पे निश्चित किए दिला देते की ये देखिए 15 तो पाउस तो बिना दुनिया सुपर ताल में ओ ये तो ना खाबो डाल करना और ना बदल का कांटे ये तो दो तुम का पे मेरे के चलाना उसका अपे हो तगड़ा गिते का टिकरा अनुदना तगड़ा बन पे का टिकरा लेकिन फॉरवर्ड लाइन पर थोड़ा ना जोड़ लगा पे ये देखिए अजय अजय का सुपर का टिकरा जी बहुत हंसता है ना लेकिन मोतीलाल भाई गोल अचूर क्रोस पोजीशन बनाव का तुमका लग रिटेनिंग गोल हुई दाड़ी को इतो मुकाबला रे बना हुआ कि तुमका मिला पिया दजे एक मात्र गोल हुई के ना और ना पे कभी भी का वापसी दाड़िया करना ये देखिए अरे बढ़िया गलती का प्रतीक एफसी नंबर 15 जगह बनाओ करा और उन्हीं की पते कई मावे आओ ये देखिए टी बॉक्स के करीब रे लेकिन ये थम हो पावलो सा गिरप पे गेम बाहर से चलाना हाफ लाइन पे 5 नंबर चार्ल्स मुर्मू तुमका अजय अजय गेंद हमारे लहराओ का नंबर 9 ने हम को दिया विजय हिकना रामेश्वर हंसदा लेकिन बैक पास 14 नंबर मोती भाई इलाहाबाद के सुपर डिफेंडर मोती भाई ये खेला जी जोड़ी ने आप होने की पड़ाव करना मोती ते की लेना का तक टी पोजीशन चला करता थे और बता रहा है लगे भाई सिद्ध रहा था चांस बना था लेकिन देखिए चीज पे लुकास गेंद लहा ले दिया ओहो एक कटे बीच की एम को गया वाह काफी देर के बाद भी खिलाड़ी पड़ाव करना प्लेस गेंद हमारे लहराओ का अनु बेकार सा शॉट नतीजा गोल की जमा हो गया अवसर को नियामदा दुमका लंबू स्टार रामनगर दुमका रामगढ़ तुमका ये देखिए अजय का स्किल बिना अजय के कला कौशल बिना मनोज एम को दिया मनोज हाय मत हो गया और पीछे पास तो कर ये देखिए नौ नंबर जैसी का खिलाड़ी फिर से मुंह बना तो लो तुमका धीरे धीरे ही सही वो भी होता हुआ ओहो हो लेकिन एम को के खराब कर रहा था ये हो तुमका फिर की दाएना पास से गड़बड़ी ये तो रजा राय से अरे आप टेबल दिखाते हुए हड्डी पर ये पास करता लेकिन लुकास थोड़ा गम तयो मिलावा टैक्सी रेन एन हो धड़कते मेहनत करते लुकास से खतवाओ का गया बॉल लुकास छोटा छोटा पास करने के बाद टीपी एम को दिया टीपी दो ही फेंक कर कटी कटा मनीष मनीष को इतनी का पहले ठीक किया और नहीं तो वाह करता गोल जबरदस्त गोल और बार बार पॉलस यही कोशिश से कम तहना तीरे मौका नियामा और यही मौका मिलता हुआ और तीनों गोल हुई करना गुना को गोल फेंको 5 नंबर दिया गोल तुसार सबसे खतरनाक गोल पाउल तुसार या और इस मैच में एक दो गोल की बढ़त एफसी इलाहाबाद पाकुड़ की तरफ से अभी अभी जो गोल दागा है पॉलिस ने और बहुत ही छन्नादेदार शॉट के माध्यम से गोल दाग करके टीम को 2-0 की बुलंदी पर पहुंचाते हुए और यहां से दुमका की टीम के लिए परेशानी बढ़ती हुई और वास्तव में निराशाजनक प्रदर्शन ही दुमका की टीम का रहा है उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया है और उस तरीके का खेल नहीं चल पाया है विशेषकर उनके फॉरवर्ड लाइन को ज्यादा देर तक बॉल रखा ही नहीं है भी था उनका बांग नियल करना मुझे दब ये फॉरवर्ड रन खिलाड़ी कम से कम 2 मिनट दबी गया बॉल को दहा होगा हमेशा जब भी बॉल चलाओ करना अंकुर एंड फॉरवर्ड लाइन रन खिलाड़ी खड़े खड़े ही जाते या कोई तैयार को टाइम देना और ऑन मा काम किया ये विपक्षी टीम को लगातार को दबाव को उका हुआ और यही चीज गलती हुई है देखिए 11 नंबर जैसे पड़े हुए खिलाड़ी वो ज्यादा देर तक बॉल को कैरी करने की कोशिश और यही गलती होता है जब आपको बहुत देर के बाद बॉल मिलता है तो तब तक में आप आगे की ओर बॉल को पेनिट्रेट कर सकते हैं मनोज लेकिन क्या यहाँ पर फिर से पाउल का शॉट होगा शॉट तो लगाया लेकिन इस बार फ्रेम में नहीं खिलाड़ियों को बता दें ज्यादा गोल दागने के लिए विशेषकर 3 गोल जो एक खेल के दरमियान जो खिलाड़ी गोल दागे गए जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग हैट्रिक गोल कहते हैं हैट्रिक
में इस मैच का हाफ टाइम का इशारा हो गया है और यहाँ पर स्काई ब्लू कलर की जर्सी है एफसी लंबू स्टार रामगंगा का स्कोर लाइन एफसी हैदराबाद 2 एफसी लंबू स्टार रामगंगा 0 से पहले जो मैच खेला गया पहला मैच जो ओपनिंग मैच था इस टूर्नामेंट का वो एफसी नबीनगर वर्सेस बी सेवन कॉलेज के बीच में जिसमें की एफसी नबीनगर ने 1-0 से बी सेवन को पराजित करके क्वार्टर के लिए क्वालिफाई किया है। दूसरा मैच मुर्मू मेमोरियल क्लब पाकुड़ वर्सेस एफसी रॉयल हंटर के बीच में जिसमें दूसरा मैच है एमएफसी बुलेट राजा ने 2-0 से एफसी रॉयल हंटर को पराजित करके क्वार्टर के लिए क्वालिफाई किया है और ये तीसरा मैच फर्स्ट राउंड से और 2-0 से यहाँ पर प्ले पहुंचा में जिस टीम को आप देख पा रहे हैं बहुत बनाए हुए है जबकि दूसरा मैच दूसरे हाफ का ये मैच चलता हुआ और यहाँ पर कॉर्नर किक लेने का मौका मिला है एक दो की यहाँ पर वापसी करने का एक शुभरा अवसर मिला है। देखता है यहाँ पर अच्छे स्ट्राइक अगर लिया जाता है तो संभावना यहाँ पर बन सकता है हेडर गोल का या गोल करने का। दूसरे हाफ में ये पहला आक्रमण इस तरह से यहाँ पर होने वाला है लो कॉर्नर की डिफेंसिव हेडर इतना ही जबरदस्त और जिस तरह से कॉन्टेक्ट और ठीक से नहीं कर पाई है यहाँ पर रामगढ़ की टीम उनके टीम के जो फॉरवर्ड है उतना प्रभावशाली शॉट लगा नहीं पाए टारगेट में बहुत कम और जिस तरह से यहाँ डिफेंस लाइन के साथ साथ यानी हर लाइन के खिलाड़ी काफी मजबूत आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जिन खिलाड़ी पर कलेक्शन आप देख पा रहे हैं इलाहाबाद की तरफ से लेकिन ये मायने नहीं रखता है आजकल हर खिलाड़ियों में मनोजदान अच्छा खासा उसके पास स्किल हमने देखा है नए नए उभरते हुए सितारों को हमने बड़े टूर्नामेंट में यहाँ पर पूरे श्रृंखला को देखते हुए देखा है। आपको क्या लगता है इस मुकाबले में यहाँ पर और थोड़ा सा रणनीति में थोड़ा सा बदलाव किया जाए तो यहाँ दुक्का की टीम वापसी कर सकती है। बिल्कुल सही कथा राजेंद्र गौड़ कथा अथवा उतार रणनीति का उन्होंने रणनीति को बदल कर था और ना बदल कर था कि ये पसीक के लिए थोड़ा दा दबदबा को बना मुदा दुमका अच्छी रहे किरण ने किया कि बिल्कुल रणनीति यहाँ पर बदलने की आवश्यकता जरूर है लेकिन दो गोल के साथ दूसरे हाफ में भी यहाँ पर बेहतर करते हुए एफसी इलाहाबाद की टीम वापसी के बाद और बैलेंस को यहाँ पर सही नहीं रख पाए चार्लेस मुर्मू खतरा बनता हुआ एक बार फर्स्ट टाइम शॉट यहाँ पर पॉलोस के पास एक बार फिर से मौका लेकिन ये शॉट टारगेट में नहीं था अच्छा यहाँ पर डायरेक्शन देने का प्रयास किया था यहाँ पर पॉलोस ने लेकिन शॉट ऑफ का टारगेट पर नहीं ऑफ टारगेट अगर 3-0 होता तो मुझे लग रहा था कि पिछले खेले गए दो मुकाबले की तरह ये मैच भी यहाँ पर एक तरफा होने की संभावना था। बिल्कुल राजेंद्र हार मीट तेरी कुकुल लिखा की इलाहाबाद रन टीम सरीगी नॉमेज अथवा उजोली रे एकदम वो डला उतरा मगर उनका बांग भी लेना नीत हो अवसर मिला गया लंबू स्टार तुमका रेल के लिए पूरा कुछ है बसरते आम नुआ 100 मिनट के अंदर रे नीत के गोल रुमर गोल में तो फिर बाकी समय रे आम जो रे लगावा और उठा कहीं ना कहीं एकदम जिक्र रिया तहदीत कुछ चला इलाहाबाद फुटबॉल टीम में खिलाड़ी ने दिए देखिए अवसर बांग तो बना दावा समझ दो बांग करा ओह ये मैं उठा से ने मुड़ा किया एकदम गलत मुड़ा लेंगा कटाते ये क्रॉस लिखा राजेंद्र एकदम सूट कौन जजों नखा रहे से हना आड़ी रहे तीन रहे खिलाड़ी अवसर के जाम किया अनुभवा की कमी जल का ना खास कर तुम कहा दिए थे गोल मगर गोल कीपर के द्वारा शानदार बचाओ इलाहाबाद एफसी हे राजेंद्र सब कुछ मैन में उनको पक्ष में चला करना नीथो स्कोरिंग शॉट तहे करना उनका नकारन खेला रे टीम मौज की तैयार था मगर गोल कीपर मार्कुस के द्वारा शानदार बचाव हुई ना अपना कखान की पते के इलाहाबाद रे टीम ये तभी तक काफी मजबूत स्थिति रे मिला
बिल्कुल अच्छे कीपिंग यहाँ पर, कीपर ने अच्छा पट्टिया चार, इसलिए दो शून्य में उन्होंने अपने ओपनर को रोकने में सफल रहे। आप सही बात बता रहे थे यहाँ पर, जिस तरह से शॉट होना चाहिए था, यानी जब जब भी बॉल रडार में और जब फिक्सिंग क्षेत्र में, वहां से ज्यादा गलती देखने को मिला है यहाँ पर लंबू स्टार की तरफ से। ये चीज को उन्हें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत, तभी यहाँ पर दो गोल को वो वापस कर पाएंगे, लेकिन उतना आसान नहीं होगा ये दो गोल को वापस करना। एक गोल अगर रहता तो ये आसानी से वापस हो सकता था, लेकिन दो गोल यहाँ पर इसमें बहुत ही कड़ा संघर्ष करने की जरूरत है। रिसीविंग खराब और पोजीशन भी खराब, और जिस तरह से फुर्तीले के साथ गति है उस हिसाब से बेहतर कर रही है एफसी इलाहाबाद की टीम। थोड़ा सा सुस्ती नजर आ रहे हैं लंबो स्टार टीम के प्लेयर्स, सिर्फ एक ही तरह से हर लाइन के खिलाड़ी के थोड़ा सा सुस्ती, और इस वजह से मुझे लग रहा है यहाँ उन्हें गोल अब तक मिला नहीं है, और यहाँ स्किल से परिपूर्ण यहाँ पर देखा जा रहा है एफसी इलाहाबाद की के प्लेयर्स, यानी हर प्रकार का लंबा हवाई बॉल को भी छोटा छोटा पासिस भी उसका काफी बेहतर रहा है, और उनके टीम खिलाड़ियों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग रहा है वो गजब कर रहा है। मौका है यहाँ पर टीकू लकड़ा का, यहाँ पर सीविंग शॉट सेकंड पोस्ट पे, लेकिन इस बार बॉल जिस तरह से हवा में तैर कर गई थी, ये अगर टारगेट में होता तो 3-0 की बढ़त। पहला गोल इस मुकाबले का टीकू लकड़ा का ही नाम, दूसरा गोल यहाँ पर पॉलुस ने किया, और ये दूसरा गोल हैट्रिक में 2000 रुपये का कैश प्राइज बनी है। तो यहाँ टीकू लकड़ा दूसरा गोल मारते तो ये तीसरा गोल मारने में देरी नहीं लगता उनको, लेकिन यहाँ पर दर्शनीय शॉट टिकू लग रहा है। यहाँ पर देखना होगा इस बार लंबू स्टार यहाँ पर कम बैक करते हुए, कम बैक करना बेहद जरूरी यहाँ पर लंबू स्टार को। और टीम के खिलाड़ियों में एक चीज देखा जा रहा है कि गति थोड़ा सा कम यहाँ पर दिख रहा है उनको, और गति में आने की जरूरत। इस तरह से आप जानते हैं कि शॉर्ट फॉर्मेट है, तो उस हिसाब से आप अपने आप को ढलना होता है, बेहतर खेलने की जरूरत, यानी ज्यादा समय आपके पास होता नहीं है, बहुत ही कम समय में आपको बहुत ज्यादा कुछ करना होता है, स्कोर करना बेहद जरूरी अपने टीम की तरफ से। बहुत अच्छा परसेंटेज फर्स्ट टाइम यहाँ पर आता हुआ लाइसेंस टूटू का यहाँ पर शॉट, और टीकू आज जिस गति से फर्स्ट हाफ की तरह ही सेकेंड हाफ में इतना ज्यादा यहाँ पर कवर को वो स्पेस को कवर किया है ये खिलाड़ी टीकू लग रहा है, यानी हर क्षेत्र में मनोजा इन्होंने इतना ज्यादा स्पेस को कवर किया फर्स्ट हाफ में भी सेकेंड हाफ में भी, और गति है इस खिलाड़ी का बिल्कुल। फर्स्ट हाफ में हो टिकुआ खेल जलगो का देना उनका जी, और सेकंड हाफ रहो अच्छा उका टाइम कथा एक जे देखिए उका ने चला पते गोल बनाओ दा गोल प्लीज लगे होय चला खाना रक्षा लगे होय चला खाना जो तो से इतियाना करा मगर ये तो नरेश कटी घटा पास के टिकू लगे टिकू के बाद आ होना नरेश रडार रही दिया बॉल बिल्कुल रडार है बॉल मारुड़े गोल ओ हो ढीला शॉट जर्सी नंबर 12 हौसा ने नाम ले गया, लेकिन ज्यादा पावर बाय जनरेटर लिखा थे गोल बाय नाम लेगा एकदम फ्री थे कना कोई हो बांकु की स्टॉप की काम कहे ना रंगा मचा की थेल खान छर गरी थे गोल को, लेकिन उनका बांग हुई देना एन हो कॉर्नर किक जमाव या अवसर की कोई नाम करा इलाहाबाद एफसी ने टीम तीसरा गोल हुई को अगर वह कॉर्नर गोल लिखो परिणत पिटा में खान, लेकिन शॉट है पास है अभी तगड़ा भी शॉट करा सीधे गोल पोस्ट रे गोल कीपर दस्ताना रे सिकंदर मार्कुस ने गोलकीपर अच्छा नहीं है खेल बाद का खिलाड़ भी हुआ अबेन बनाट टीम और कोई तो बेन हुई का एफसी ताला स्टार बीरभूम वर्सेस एफसी अंबाडीहा अंबाडीहा अमरापाड़ा वर्सेस बीरभूम बनाट टीम के मैनेजर अभेद खिलाड़ी बोई बोई थे डग आउट से पूरी अभेद चेष्टा में चिदा जे हर बार नौका नेल का ना बोलो रे अभी लेट हुई के ना और उना कथान थी कि आले कम समय में वापे कना ले
जबन अधिक से अधिक टाइम ले मापे उना लगे अबेन नीत होंगी बोला तो बोलते हजू या चेस्टा है जर्सी नंबर के पार बढ़ाई गया फोन नवा टूर्नामेंट रे फाइनल रे गाती घड़ी मैन ऑफ द मैच से मैन ऑफ द सीरीज से बेस्ट गोल कीपर रे साइकिल मिला उन्हें इतने व्यक्तिगत उनका प्रदर्शन का उन्हें प्रदर्शन रे आप सुधर तपे बना टीम से लिखला लगी जमन उन्हें कुपराज रन उतार पे हुई मौज मौज पराज मिला चयन कार्यकर्ता थोड़ा कुकुट दुरु बड़ा बना अपे हर खिलाड़ी प्रदर्शन रहे उनको निगाहें मिला उन्हें ते मौज से मौज से गति आर हो चेष्टा कर उनके लेकिन यह तो तुमका ओ तीन घड़ी गोलो गोलो ऐसे करना ऊन घड़ी की को गड़बड़ा ना तुमका रहती लंबू स्टार तुमका रहती ये तो मौज जब्तो की पिट्टे बुटे फारवर्ड लाइन आपको की कुछ तहे करना मगर सही तास बांग लिखाते कोई चांस की बांग पाउलुस की तो मैं गोल चुका हूँ कदाचित दूसरी लगने चला ये तुमसे पास कर रहा हूँ ठीक हूँ लगा सूर भयंकर खतरनाक शॉट लेकिन क्रॉस बार रे टकराव करते गेंद वापस से ही करा बना हुआ नुआ मैच रन हीरो अगर हम सिंदरा मुखाई यहाँ में हम टिकू जाजे गाती है बीते की सुपर है गाती के ना पाला गोल दुनिया खतार की चलाओ करा बार बार मौका यहाँ दा हाल ये देख लिया तुम हो दस नंबर ये बंदो मौका यहाँ पे करते हैं ना रईसी लेकिन बांकू इमाउ दिया मौका इस बीच ठीक कॉर्नर एरिया पर इलाहाबाद एक्सी टायरी तुलु टायरी टायरी का तेजी टायरी ताप किदा चपालिया और सब कुछ जाम किदा लंबू स्टार बनका बबार होते खिलाड़ी चकमा इन्याम किदा आर होमी का कीपू कीपू अनुआ पासे एस लिया तो नरेश लगा नरेश का दार पे चुन लगा चांस मिला और चीज का दर्द ना नरेश ओ बाई मार रही थी खतरा तलाव ना वाह ये तो मीट मापे गोल लगा टीम पे गोल लगा तो भी आपे मिला पे फॉरवर्ड लाइन रहे लेकिन जर्सी नंबर पांच माह आठ माह रात रात आप तो नहीं दी करा और गोल भुगत से नहीं दी करा हो ओ हो माफ़ कर ना थी इधर में उका कमोर या की माँ बांगो गति तहे करना बांगो पासिस तहे करना बढ़िया थे नुमका ना फेर बांगो लोगो दो नंबर नरेश चंजी टीपू जब तो दम दम रहना था पावन सुधा भी दम रहने हैं ओ बहुत ही लंबा शॉट नौ नंबर जर्सी रोका खिलाड़ी हुए अभी मौजे का किनारा राजेंद्र उका तो रखा पंती दाई देन कना बाबू ध्यान आई कना अड़ी ते की तगड़ा गाती के नाम कालीदास रक्षा पंती लाइन रे टीप बढ़िया क्लियर दा जबरदस्त क्लियर दा अपना कप्तान की मजे से लहा कना अयुम को पूजाओ दिखना जब सब कुछ कालीदास से किता एकर का किता बिंधा लेकिन चीज दिया तो हम लाइन से वो गलत रणनीति सात नंबर की कोई माओ इकाई एकदम पिसार गुल हुई तो राजेंद्र हेलो खुद एक बार लाइसेंस यहाँ पर अटैम्प्ट करके देखा अगर उसका भी गोल हो जाता है वैसे भी तो शुद्ध की महत्वपूर्ण बढ़त बनाई हुई है इस मुकाबले में एफसी इलाहाबाद तो ये अच्छा बढ़त है बहुत ही पकड़ मजबूत बनाई हुई है और देखना है बच्चे वैसे भाई किस तरह से लेकिन काफी खराब अंडरस्टैंडिंग और अटैम्प्ट यहाँ पर एफसी लंबू स्टार का और यही वजह है अभी तक गोल नहीं कर पाने की ये सबसे बड़ी वजह लंबू स्टार्टिंग के खिलाड़ियों का इस तरह से आप बता रहे थे कि इतना अच्छा यहाँ पर बॉल मिले मिला था इधर इससे पहले और एक नहीं तीन तीन खिलाड़ी वहां पर थे और उसके बावजूद भी यहाँ पर खराब शॉट लगा था रमेश शोल्डर
देखना है यहाँ पर किस तरह से आराम से यहाँ पर पूरा प्लेस का भरपूर प्रयोग करते हुए एफसी इलाहाबाद। लेकिन इसके बाद जो मैच होना है दोनों टीम के प्रबंधक ध्यान देंगे इस मैच की समाप्ति के पूर्व अपने टीम के खिलाड़ियों को डगआउट में लेके आएंगे। एफसी ताला स्टार बीरभूम और एफसी आमाड़ी आप दोनों टीम के कैप्टन अपने टीम के खिलाड़ियों को आप रेडी करके रखेंगे यानी अतिरिक्त समय मिल रहा है, ये कम से कम अतिरिक्त समय नहीं है, लगभग ढाई घंटे का ये अतिरिक्त समय आपको मिला है, तो उसमें तो आप भरपूर तैयारी कर सकते हैं और उसका कितना ज्यादा लाभ आप उठा सकते हैं वो बखूबी आप जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिन टीमों को आज अतिरिक्त समय मिला उसका फायदा उठाने से चूक रहे हैं ये अच्छी बात आपके लिए नहीं है, तो इस मैच की समाप्ति के पूर्व ही अपने टीम के खिलाड़ियों को रेडी रखेंगे एफसी अंबाडी और एफसी ताला स्टार बीरभूम वेस्ट बंगाल अपने अपने टीम को रेडी रखेंगे। और इस मैच मुझे लगता है कि ज्यादा समय नहीं है, एक टीम बिल्कुल यहाँ पर ग्राउंड के ठीक बगल में रेडी हो रही है तो अच्छी बात है, और जो भी टीम जिस जगह आप रेडी हो रहे हैं आप भी अपने तैयारी पूरी कर लें तो अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलेगा लंबू स्टार को। लंबू स्टार रामगढ़ का मुझे लग रहा था कि दो गोल में से एक गोल यहाँ पर वापस हो सकता था लेकिन ऐसा यहाँ पर हुआ नहीं है, पर अच्छा डिफेंसिव हेडर और बचे हुए समय में यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करते हुए लंबू स्टार टीम के प्लेयर्स तो अग्रिम पंक्ति यहाँ पर डिफेंस लाइन को भेद नहीं पाए इसलिए उसका जो प्रदर्शन है वो बिल्कुल सामान्य रहा। और इस मैच मुझे लगता है धीरे-धीरे यहाँ पर औपचारिकता ही यहाँ पर पूरा किया जा रहा है, अगला मैच के लिए दोनों टीम के कैप्टन अपने टीम के खिलाड़ियों को तैयार रखेंगे एफसी अंबाडी और एफसी ताला स्टार। ध्यान देंगे दोनों टीम के प्रबंधक जो भी स्ट्रेटेजी आपको बनाना है वो अभी में ही तैयारी कर लें, जब मैच समाप्त होता है उसके बाद जो मैंने देखा है सभी टीम्स के खिलाड़ियों को वो तब रणनीति बनाते हैं, तो अभी भी पूरी तरह से रणनीति बना लें, बहुत है फर्स्ट टाइम टच ये क्वालिटी खेल दिखाते हैं इलाहाबाद की टीम और चाहिए दोस्तों इस दो गोल पे महत्वपूर्ण बढ़त को भी बरकरार रखे हुए ये अच्छी बात है इलाहाबाद के लिए। ये भारी पड़ा है यहाँ पर ये बहुत खराब अंडरस्टैंडिंग, जब आप देख रहे हैं कि आपको टैकल किया जा रहा है तो उससे पहले ही बॉल को यहाँ पर पास निकालना चाहिए था और ये अभी नहीं है खिलाड़ी पहले भी कई गलती किसको ने किया है, गोलकीपर का क्लियरेंस इस बार क्लिक से बाहर थोड़ी लेने का मौका मिलता हुआ एफसी इलाहाबाद को, और जिस तरह से एक नहीं दो दो अटेम्प्ट यहाँ पर देखा गया दूसरे हाफ में टिकू लग रहा था उसके बाद लाइसेंस टूटू का, लेकिन यहाँ पर दोनों का जो शॉट्स रहा वो टारगेट से बाहर, यहाँ मौका बनता हुआ तीसरे गोल करने का लेकिन क्या यहाँ पर तीसरे गोल को अर्जित कर पाएगी इलाहाबाद की टीम, तो पेनी को यहाँ पर बॉल मिल गया है पासिंग ऑप्शन जब आपके पास रहता है लेकिन पासिंग एक्यूरेसी इतना खराब रहा है लंबू स्टार का चहल कर दिया और टाइम को खपाते हुए यहाँ पर जिस तरह से कालिदास ये बेहतरीन डिफेंडिंग अपने टीम के लिए और अच्छा कंट्रीब्यूट, लेकिन इस मैच के निर्णायक ईश्वर हेमरम की यहाँ पर फुल टाइम इस मुकाबले को दो